कात्यायन। अब प्रधानमंत्री मोदी के इसरो कमांड सेंटर के दौरे की हम आपको खबरें दिखाते हैं कि किस तरह से वहां दौरा हुआ और क्या कुछ कार्यक्रम हुआ। इज ऑन द मून, जहां उतरा चंद्रयान वो शिव शक्ति स्थान। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की नजरों से दुनिया ने देखा चांद। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। चांद पर दो पॉइंट, तिरंगा और शिव शक्ति। प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया, ऐतिहासिक उपलब्धि की किस तरह से तारीफ की। इसरो कमांड सेंटर में पहुंचे पीएम मोदी को लेकर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चांद पर लहराया तिरंगा, भारत का बजा डंका। बेंगलुरु में चंद्र विजय का सुपर शो। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। पीएम की बधाई, वैज्ञानिकों का जोश हाई। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर की इन तस्वीरों का इंतजार पूरे भारत को था। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्र विजय के बाद पूरे देश का जोश और उत्साह सातवें आसमान पर है। यही वजह है कि देश के प्रधान सेवक अपनी विदेश यात्रा से लौटकर सीधे बेंगलुरु पहुंचे। ना विराम ना आराम, सिर्फ चलते रहना काम। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ओज को देखिए, लगातार यात्रा की थकान का नामो निशान तक नहीं है। दरअसल ये ऊर्जा अकेले प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, ये ऊर्जा है 140 करोड़ भारतीयों की। ये ऊर्जा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसे भारतवासियों की। इसरो कमांड सेंटर में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ को गले लगा लिया। एक के बाद एक कर प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कर्णधारों से मिले और उनकी तारीफ की, उन्हें मोमेंटो प्रदान किया। वैज्ञानिक इस तरह के जो सॉफ्ट लैंडिंग जैसी कामयाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 के मॉडल को देखा और जाना कि कैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया
कि प्रज्ञान ने कैसे चांद की जमीन पर अपने पांव रखे और कैसे इतिहास रचा गया। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का ना सिर्फ स्वागत किया, उनका धन्यवाद भी किया। यू प्रॉमिस्ड अस दैट यू विल कम एंड मीट अस ऑन दैट डे एंड वी आर यू आर हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस टुडे। और फिर वो वक्त आया जिसके लिए इसरो ही नहीं देश के तमाम वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ शुरू की तो इसे सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। इंडिया इज ऑन द मून, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। दरअसल ये पीएम के शब्द मात्र नहीं है, ये उनके वो भाव हैं जो इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। पीएम मोदी बोलते बोलते भावुक भी हो गए। आखिरकार ये मौका है ही ऐसा, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जिसे दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। ये नया भारत है, यहाँ पर नए अनुसंधान हो रहे हैं, कामयाबी की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 23 अगस्त को जब हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की तो पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन यह तो बस कामयाबी का दूसरा चरण था, क्योंकि जिस काम के लिए लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को चांद पर भेजा गया था वो असली काम तो अब शुरू हुआ है। हिंदुस्तान की कामयाबी की ये 3 तस्वीरें हैं जो भारत की चांद पर बुलंदी को दर्शा रहे हैं। 14 जुलाई से लेकर अब तक चांद पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसरो ने प्रज्ञान रोवर के लैंडर से बाहर आने और चांद की सतह पर उतरने का नया वीडियो शेयर किया है। लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था, जिसके करीब 14 घंटे बाद गुरुवार रात 12:30 इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है और लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर करीब 8 मीटर चल चुका है। रोवर में लगे 2 उपकरणों को ऑन कर दिया गया है और वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल 3 सही तरह से काम कर रहे हैं। इसरो ने बताया कि ये वीडियो लैंडर पर लगे इमेजर कैमरा ने बनाया है। प्रज्ञान रोवर के पिछले पहियों पर इसरो का लोगो और राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है। जैसे ही प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ा वैसे ही रोवर भारत की बुलंदी के निशान छोड़ते चला गया। हालांकि इसरो ने रोवर की जो नई तस्वीरें जारी की हैं, वो बता रही हैं कि इनमें लगे सेंसर और उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन रखने की। प्रज्ञान रोवर सीधे इसरो से संपर्क नहीं कर सकता है, इसरो लैंडर के जरिए रोवर के संपर्क में है। लैंडर और रोवर की सेफ पोजीशन भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चांद की सतह पर भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। अगली बड़ी चुनौती है पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मशीन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वक्त किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इन्हीं सभी चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो की टीम दिन रात जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चांद पर हिंदुस्तान की बुलंदी